रौरा सबके जीतिया बरत के कहानी सुनावतानी। राज देके गंधर्व के राजा जीमूत बाहन जंगल में आके अपना पिताजी के सेवा करे लगलन। ओही सेवा करे के समय में उनकर शादी उनकर पिताजी मलयवती नाम के सुंदर कन्या से कर दिलन। आगे का भइल सुनी जा। जंगल में रोवे के सुनाइल सोर भर शंख चुन बाहन औरत के रोवे के आवाज सुनके औरत के पास गेलन तो औरत रो रो के बिलाप करे लागल आ कहलस कि गरुड़ रोज एगो सांप के मार के खालन। सर्प जाति स्वेच्छा से एगो सांप के रूप में उनकर भोजन पहुंचावेला। हमरा एके लैका शंख चूर्ण बा आज ओकरे पारी बा। आज शंख चूर्ण गरुड़ के आहार बन जाए एही से हम रोवत बानी। आगे का भइल सुनी जा। सुन के दुखित हो गई शंख चुन के जगह पर खुद चली भइल। जी मुत वाहन चादर ओढ़ के सीला पर सूत गई खाए खातिर थोड़े देर में गरुड़ चली कपड़ा सहिते जीमूत बाहन के चोच में दबा के खाए खातिर उड़लन तो सोचलन कि रोज सांप के खाए खातिर चोच में दबा के उड़ीला तो रोबे लसन। इ रोबत नहीं खे आखिर का बात बा। मन में ऐसन बात सोच के गरुड़ एगो पहाड़ पर जीमूत बाहन के लेके उतर गईले। जीमूत बाहन के लेके गरुड़ पर्वत पर आईले देख के जीमूत बाहन शंख चूर्ण के माई के सब बात बता के गरुड़ जी से कहलन
कि आज हम एगो माई के पुत्र के बचावे खातिर अपन प्राण देवे आइल बानी, रउरा हमरा के भोजन करी। एगो माई के पुत्र के बचावे के काम हमरा शरीर से हो जाओ, ए से बड़ा धर्म का हुई। बात सुन के जी मुतवाहन के गरुड़ चाकित भइल, आज से सर्प के ना खाइब गरुड़ जी प्राण कइले। देख के त्याग जी मुतवाहन के गरुड़ जी खुश भइले, देवता लोग जी मुतवाहन जी पर फूल बरसइले। ए प्रकार से जवना दिन जीमुत वाहन जी सर्प के जान बचैलन, ओह दिन जितिया पर्व रहे। एह जितिया पर्व के कैला से गंधर्व राज जीत वाहन भगवान जी बरती के संतान के सुखी पूर्वक रखते हुए संतान के रक्षा करीला। एही से जितिया पर्व संतान के रक्षा खातिर मनाओ जाला।